Late falls and early springs are the best time to change pots and buy some new plants, which means we need more pretty planters. I'm always on the look for some affordable options, so DIY is a great solution. Hello crafters, welcome to Craft Club, and here I am with the 4 DIY tutorials to inspire you to create some awesome planters. For decorating the plastic pot, first and important step is to provide an extra layer of protection so that hum jo bhi painting karenge wo permanent ho jaye, especially when we are using it as an outdoor planter. Jiske liye hum lenge white cement aur isme fevicol aur pani mila ke ek paste banayenge. Is paste ko hame karna hai apne pot pe apply aur isko thoda sa aur strong karne ke liye hum saath mein stick karenge newspaper ke cuttings. हम पूरी पॉट को अच्छे से इस पेस्ट से कवर कर लेंगे। ऐसे ही मैंने चारों पॉट्स को कवर कर लिया है और इन्हें ड्राई होने के लिए रख देंगे। पॉट्स ड्राई होने के बाद हम बनाएंगे अपना फर्स्ट DIY, जो कि है ये ओम्ब्री प्लांटर। इसे बनाने के लिए हमें लेने हैं डिफरेंट कलर्स। मैंने सारे एक्रेलिक कलर्स ही यूज किए हैं अलॉन्ग विद दिस टाइप ऑफ स्पॉन्ज, और अगर आपके पास कोई डैबर है तो आप उसे यूज करिए। ओम्ब्री का मतलब होता है शेड्स, और इस लुक को देना सबसे आसान होता है। हमें सिंपली अपने डैबर में कलर लोड करना है और इसे धीरे धीरे अपने पॉट पे डैब करना है। डिफरेंट कलर्स को यूज करके हम इनका एक ग्रेडियंट बनाएंगे। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ओम्ब्री। मैंने यहाँ पे जितने भी कलर्स यूज किए हैं इन सब में व्हाइट एक्रेलिक कलर मिक्स करके इनका एक लाइट शेड बनाया है। इस पॉट को बनाने में आपको मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेंगे, और अगर आप अपने घर के किसी कॉर्नर को कलरफुल करना चाहते हैं देन दिस इज द सिंपलेस्ट एंड द क्विकेस्ट आइडिया। पेंटिंग करने के बाद हम इसे करेंगे ड्राई। ड्राई होने के लिए आप इसको एटलीस्ट 24 आवर के लिए रखें, एंड देन हम इसमें लगाएंगे अपना प्लांट। नेक्स्ट हम बनाएंगे ये ट्रेंडी प्लांटर जिसपे लिखा है प्लांट लेडी। इसे बनाने के लिए हमें लेना है मोल्डेड क्ले। ये एक एयर ड्राई क्ले होती है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक रेजिन और एक हार्डनर। हमें इन दोनों को इक्वल अमाउंट में आपस में मिक्स करके एक इवन डो बनाना होता है। तो इस प्लांटर के लिए मैंने 1/4 रेजिन लिया है और 1/4 हार्डनर लिया है। सबसे पहले हम क्ले को पतला रोल करेंगे और फिर हम इसे अपने पॉट पे स्टिक करेंगे। रेफरेंस के लिए हमें जो भी अपने पॉट पे लिखना है वो पहले ही हम पेंसिल से स्केच कर लेंगे। मोल्डेड को ड्राई होने में एटलीस्ट 90 मिनट्स लगते हैं, तो यू हैव इनफ टाइम, आप आराम से अपने पॉट को लिखिए। क्ले ड्राई होने के बाद हम इसे करेंगे कलर अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस। इफ यू आर अ प्लांट लविंग पर्सन then you should definitely try this idea. Now third planter को बनाने के लिए हमें फिर से लेना है molded clay. इसके पहले वाले planter में जो clay हमारा बच गया था वो मैंने इसमें use किया है। इस बार हम clay को एक pattern में stick करेंगे। मैंने यहाँ पे wave pattern दिया है, आप किसी भी pattern में clay को stick कर सकते हैं। क्ले जब ड्राई हो जाएगा तब हम इसे करेंगे कलर। मैंने जितने भी प्लांटर्स बनाए हैं उन सबको फाइनल कलर करने से पहले एक वाइट बेस दिया है,
ताकि जो हमारा फाइनल कलर हो वो अच्छे से पॉप हो सके। आफ्टर कलरिंग हम इसमें ऐड करेंगे सम स्प्लैशेस ऑफ ब्लैक कलर। और इस तरह से रेडी हो जाएगा हमारा थर्ड पॉट जो कि है ये पैटर्न प्लांटर। नाउ इट्स टाइम फॉर द फोर्थ एंड द लास्ट प्लांटर जिसे बनाने के लिए हमें लेना है ये पॉट, ये रोप और ये ग्लू गन। सबसे पहले हम रोप के एंड को ग्लू लगा के सील कर लेंगे ताकि इसके थ्रेड्स नहीं खुलें। देन हम अपने पॉट को रोप से कवर कर लेंगे। रोप स्टिक करने के बाद हमें बनाना है इसमें डिजाइन, तो मैं यहाँ पे सिमिलर साइज के पिरामिड बना रही हूँ जो कि इन्वर्टेड है। आप कोई भी शेप बना सकते हैं अपने प्लांटर पे, बस ये ध्यान रखना है कि जो शेप है उसको हम मेजर करके बनाएंगे ताकि हमारी डिजाइन यूनिफॉर्म लगे। डिजाइन बनाने के बाद हम फिल कर लेंगे इन्हें कलर्स से। मैंने यहाँ पे कुछ वाइब्रेंट और कुछ लाइट कलर चूज करे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अपने प्लांटर्स को कलर करिए। इस वीडियो में मैंने जो भी मटेरियल यूज किया है उन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इफ यू वांट आप इसे चेक कर सकते हैं। आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द डिटेल्स ऑफ दिस ट्यूटोरियल, बट इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी देन लीव देम इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू आंसर देम। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन। और अगर आप ऐसे ही DIY रिलेटेड वीडियोज देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।